हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, मुझे काफ़ी सारे लोगों ने मेल करके मुझसे पूछा है, मुझे मेल किया है सेटलमेंट करवाने के लिए, और मुझसे ये पूछा गया है कि सर, अगर हम लोग अपने क्रेडिट कार्ड का सेटलमेंट नहीं करवाते हैं तो क्या हो सकता है। तो दोस्तों, अगर आपको नहीं पता है, आप किसी गलत फहमी में हैं, तो उसको दूर कर लीजिए। जी हाँ दोस्तों, अगर आप क्रेडिट कार्ड की पेमेंट अपनी नहीं करते हैं और सोचते हैं कि मैं क्रेडिट कार्ड की पेमेंट नहीं करूँगा और फंस जाऊँगा, तो वो चीज़ अब नहीं रही दोस्तों। बैंक आज की डेट में आपको सेक्शन 138 और सेक्शन 25 के तहत जेल भी भेज सकता है, आपको 2 साल की जेल भी हो सकती है, और आपको आपके टोटल आउटस्टैंडिंग का 2 गुना पैसा आपको भरना पड़ सकता है अगर कोर्ट आपके ऊपर पनिशमेंट अप्लाई कर देता है। तो दोस्तों, मैं पूरे टर्म्स एंड कंडीशन आपको वीडियो में बताऊंगा, तो चलिए दोस्तों पूरा वीडियो देखिए, पूरा वीडियो ध्यान से देखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए, और आपको कोई भी गलतफहमी है आप उसको दूर कर लीजिए। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यहां मैं सबसे पहले बात कर रहा हूं कि आज के वीडियो में जो मैं टॉपिक लूंगा उसमें मैं आपको क्रेडिट कार्ड और पर्सनल लोन के बारे में आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि क्रेडिट कार्ड और आपका पर्सनल लोन सेटलमेंट की कैटेगरी में या फिर डिफॉल्ट की कैटेगरी में तब जाता है। दोस्तों, अगर आप 3 महीने तक अपने लोन का पेमेंट नहीं करते हैं या क्रेडिट कार्ड का पेमेंट नहीं करते हैं, तो उसको लोन डिफॉल्टर की कैटेगरी में डाल दिया जाता है, क्रेडिट कार्ड को डिफॉल्टर की कैटेगरी में डाल दिया जाता है। अगर आप 3 महीने अपने क्रेडिट कार्ड पेमेंट लगातार नहीं करते रहते हैं, तो बैंक आप पे लगातार इंटरेस्ट चार्ज करता रहता है, और इसके साथ साथ 3 महीने बाद आपका कार्ड ब्लॉक कर दिया जाता है, तो आप उस कार्ड को भी नहीं यूज़ करते हैं। सेम सिचुएशन आपके लोन के साथ होती है, पर्सनल लोन के साथ। अगर आपने 3 महीने तक अपने पर्सनल लोन की ईएमआई नहीं भरी है, तो बैंक फाइनली 4th महीने में आपके पर्सनल लोन का टोटल आउटस्टैंडिंग एक साथ आपके ऊपर डाल देता है कि अब आपको किस्तें नहीं देनी है, अब आपको एक साथ लोन पे कर देना है। इसके बाद दोस्तों क्या होता है, आपके पास रिकवरी कॉल्स आना चालू हो जाती हैं। इसके साथ साथ बैंक सबसे पहले आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे आपको मेल भेजता है, जिसमें जो वकील के थ्रू ही आपको भेजा गया होता है मेल, जिसमें कि आपको 7 से 15 दिन का समय दिया गया होता है, जिसमें कि वकील भी आपसे अपनी फीस मांगता है, वकील भी क्लेम करता है कि आपको वकील की फीस देनी है, क्योंकि उस आपकी परेशानी की वजह से, आपको पेमेंट ना करने की वजह से वकील को भी परेशान होना पड़ा है, तो वकील भी अपनी फीस आपसे डिमांड करता है। इसके साथ साथ आपका लोन का टोटल आउटस्टैंडिंग आपसे मांगा जाता है उस नोटिस के थ्रू, जिसका कि आपको 15 दिन के भीतर जवाब देना होता है। अगर दोस्तों आप 15 दिन के भीतर उस नोटिस का कोई जवाब नहीं देते हैं तो क्या होता है, तो दोस्तों उस नोटिस के बिहाव पर फिर आपके पास कोर्ट की तरफ से आपके रजिस्टर्ड एड्रेस पर एक रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू एक और दूसरा नोटिस दिया जाता है। अगर आप उस नोटिस को नहीं फॉलो करते हैं, उसमें आपको चेक करना होता है कि वो नोटिस किस सेक्शन के बिहाफ पर दिया गया है। अगर ये नोटिस दोस्तों सेक्शन 138 और सेक्शन 25 के अंडर किया गया है, तो दोस्तों आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप उस चीज़ को ध्यान से पढ़ें, उसको फॉलो करें और उस कोर्ट की डेट पर चले जाएं। दोस्तों, अगर आप कोर्ट की डेट पर जाते हैं तो आपको कोर्ट कचहरी, वकील के चक्कर लगाने पड़े हैं, वकील का खर्चा उठाना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं, और तब तक आपका क्रेडिट कार्ड की एजेंसी की तरफ से कॉल आना चालू हो चुका होता है, उनकी परेशानी आपकी स्टार्ट हो चुकी होती है, आपके घर पे भी विजिट होना चालू हो चुका होता है, ये सारी चीज़ें आपकी स्टार्ट हो चुकी हैं 3 महीने के बाद, ये सारी चीज़ें चल रही होती है। इसके साथ कोर्ट के भी नोटिस आपको आते हैं, आप कोर्ट के नोटिस को फॉलो करते हैं। अगर आप कोर्ट में जाते हैं तो बैंक के अधिकारियों से वहाँ पे मिलते हैं, उनसे बात करते हैं, उनको अपनी समस्या बताते हैं, तो वो लोग भी आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं, वो लोग आपको सोचते हैं कि मामला सेटल हो जाए। अगर आप उस वक्त तक पेमेंट नहीं करते हैं, तो दोस्तों कुछ केसेस में बैंक इसको आपके लोकल कोर्ट में भेज देता है, लोक अदालत में उस केस को रिफर कर देता है, और अगर आपने क्रेडिट कार्ड या फिर लोन लेते वक्त अपने चेक्स को दिया था एज अ गारंटर, गारंटी के तौर पे, डॉक्यूमेंट्स के तौर पे आपने अगर चेक्स को दिया था, आपने ब्लैंक चेक्स को दिया था, 3 से लेकर 6 ब्लैंक चेक हम दिए थे, तो दोस्तों फिर तो आपका फंसना ऑलमोस्ट तय है, क्योंकि आज की डेट में बैंक सेक्शन 138 के तहत आपके ऊपर क्लेम कर रहा है। सेक्शन 138 के तहत दोस्तों, सेक्शन 138 में अगर आपके ऊपर केस किए गए तो वो एक आपराधिक श्रेणी में आता है। सेक्शन 138 का मतलब है कि आपको 2 साल की सजा हो सकती है, और आपके ऊपर जितना भी बैलेंस है उसका 2 गुना आपको पे करना पड़ सकता है। तो दोस्तों सेक्शन 138 बहुत खतरनाक है एक आम तौर पे एक आम इंसान के लिए। उसी तरीके से सेक्शन 25 क्या होता है, सेक्शन 25 मतलब आपने जानबूझ के उस काम को किया है जो कि आपको नहीं करना चाहिए था। इसका मतलब, कहने का मतलब ये कि आपने क्रेडिट कार्ड को जानबूझ के पैसा बर्बाद करने के लिए बैंक का लिया था, यूज़ किया था उस पैसे को, और आप पैसा नहीं देना चाहते इंटेंशनली। तो दोस्तों ये दोनों चीज़ हो सकती हैं, ये दोनों बैंक आजकल रूल यूज़ कर रहे हैं कस्टमर के अगेंस्ट में, चाहे आपका लोन 50,000 का ही क्यों ना हो या फिर 1 लाख का ही क्यों ना हो। जो लोग इस बात को लेकर तसल्ली से बैठे हुए हैं कि 2-3 लाख का लोन है, मैं नहीं पे करूंगा, बैंक मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकता, सिर्फ क्रेडिट कार्ड के लोन
वाले कॉल करेंगे तो ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। बैंक आपको बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला, आप इस चीज को बहुत ध्यान से अच्छे से समझ जाइए। अगर आपने पैसा लिया है तो आपको चुकाना ही पड़ेगा। अगर आप इन सब चीजों से बचना चाहते हैं तो उसका सिंपल सॉल्यूशन ये है कि आप खुद चाहे तो बैंक से बात कर सकते हैं, बैंक के अधिकारियों से बात कर सकते हैं सेटलमेंट रिगार्डिंग। बैंक आपका कुछ परसेंटेज अमाउंट लाइक 10% 20% अप टू 30% अमाउंट कम कर देगा और आपकी किस्तें बांध देगा। आप ये कर सकते हैं पहला ऑप्शन। आप चाहें तो वन टाइम उनको पे कर सकते हैं, या फिर सपोज दैट अगर 50,000 का 1,00,000 आउटस्टैंडिंग है तो आप बैंक से बात कीजिए कि मुझे किस्तें बांध दीजिए, तो बैंक उस पे इंटरेस्ट के साथ आपकी कुछ किस्तें बांध देगा 1 साल 2 साल की, और वो आप पे करते रहिए। तो उस केस में क्या होगा, आपके ऊपर किसी भी तरह की कोई पेनल्टी, कोई चार्ज सेक्शन 138 सेक्शन 25 कुछ नहीं लगने वाला है, और आपका केवल सिविल खराब होगा। सिविल तो देखो खराब होना तय है दोस्तों, क्योंकि आपने ऑलरेडी डिफॉल्ट कर दिया है। तो ये सारी चीजें होंगी अगर आप बैंक से बात कर लेते हैं, या फिर आप सेटलमेंट एजेंसी के थ्रू कर सकते हैं सेटलमेंट, जो कि सेटलमेंट एजेंसी भी करती है। आप उनसे बात कीजिए, वो आपका पूरा केस बैंक से डील करेंगी और वो आपका कार्ड सेटलमेंट कराने की कोशिश करेंगी। तो इसके थ्रू भी आप अपने हैरेसमेंट से बच सकते हैं। बट अगर आप ये सोचें कि मैं पैसा लेके खा जाऊंगा, तो दोस्तों इस गलती मत रहिएगा, बैंक आपको नहीं छोड़ने वाला है। अब जमाना बदल चुका है, 2020 आ चुका है, बैंकों के पास भी नए नए फॉर्मूले आते रहते हैं, वो उस फॉर्मूले को यूज करते रहते हैं, क्योंकि उनके पास भी जो पैसा था वो कस्टमर का था। तो दोस्तों अगर आपने पैसा लिया हुआ है तो दोस्तों उसको जल्दी से जल्दी चुकाने की कोशिश कीजिए। अगर सारा पैसा नहीं चुकाया जा सकता तो कोशिश कीजिए सेटलमेंट के थ्रू आप इस मैटर को सुलझा लें, बट मामले को खींचिए मत चिंगम की तरह। सेटलमेंट करना है, सेटलमेंट करवा के खत्म कीजिए, एक्सटेंड मत कीजिए, वरना आप फंस सकते हैं। आपने मेल में देख ही लिया हो, काफी लोगों ने मुझे मेल किया है, उन लोगों को लगता है कि कुछ नहीं होगा, तो नहीं दोस्तों, आप बहुत बड़ी गलतफहमी है। अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो आप फिर से गूगल कर सकते हैं, जो भी मैंने आपको बताई सारी बातें आपको बिल्कुल 100% सच मिलने वाली है। तो आज के लिए बस दोस्तों इतना ही, उम्मीद करता हूं आपको मेरा एपिसोड पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।